क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी कसम को पूरा करने जा रहे हैं? जी हाँ, तीसरी कसम। शायद इस नाम की कोई फिल्म भी आई थी, जिसे मैं याद, अगर सही याद कर पा रहा हूं तो। लेकिन ये राजनीति का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े कमिटमेंट थे, तीन बड़ी प्रतिबद्धताएं थी। एक, कश्मीर से धारा 370 का उन्मूलन, अयोध्या में जन्मस्थान पर रामलला विराजमान का भव्य मंदिर, और समान नागरिक आचार संहिता, कॉमन सिविल कोड। दो हो गए, 370 हट गई, झेलम की पानी में विलीन हो गई 370 धारा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ परवान चल रहा है, और सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी के दूसरे पक्ष में रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। और तीसरी कसम बाकी बचती है, कॉमन सिविल कोड। क्या नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि 24 के चुनाव में जाने से पहले ये धमाका भी करके जाएं? इस बात को बल तब मिला जब कल अचानक से विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी कि समान नागरिक आचार संहिता के ड्राफ्ट पर देश भर में जो लोग विचार देना चाहते हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, इंडिविजुअल्स, वो 30 दिन तक अपने विचार, अपने राय, अपने सुझाव विधि आयोग को भेज सकते हैं। वहां से हंगामा मचना शुरू हुआ कि 30 दिन की अवधि तय की गई, एक। और दूसरा, ये पब्लिक डोमेन में, क्योंकि 2018 के बाद से विधि आयोग इस विषय पर बहुत सक्रिय नहीं था, लेकिन अचानक से सक्रिय हुआ, और इतना सक्रिय हो गया कि उसने कहा कि 30 दिन में जो कहना है कह डालो। उसके बाद सुझाव आ गए, ड्राफ्ट में संशोधन हो जाएगा, एक समग्र ड्राफ्ट बन जाएगा, वो सरकार को जाएगा, सरकार को उसके ऊपर फैसला लेना होगा, और चुनाव भी बहुत दूर नहीं है लोकसभा का। तो क्या सारा टाइम टेबल सेट कर लिया है मोदी ने? इससे पहले उत्तराखंड ने इसी मसले पर एक कमेटी बनाई थी, एक महिला जज, सेवानिवृत्त महिला जज की अध्यक्षता में। उस कमेटी को 2 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए थे इसी मसले पर, समान नागरिक संहिता पर, और उसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है, और माना जा रहा है कि जल्दी ही वो उत्तराखंड सरकार को वो रिपोर्ट सौंप देगी। केंद्र सरकार को भी उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। गुजरात ने भी ऐसे ही एक प्रयोग किया है, वहां भी इस पर चर्चा चल रही है, इस पर काम हो रहा है। अब खलबली इस बात को लेकर है कि अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले यह ब्रह्मास्त्र चला तो इसके राजनीतिक फायदे और नुकसान किस किस को होंगे? देश में एक कानून हो, सभी धर्मों पर, सभी संप्रदायों पर लागू हो, शादी ब्याह, तलाक, बच्चा गोद लेना, ऐसे जो तमाम वो हैं उनमें एक सा कानून चले, इसकी मांग बहुत पुरानी है, लेकिन कोई सरकारी हिम्मत जुटा नहीं पाई। उसको लगता था माइनॉरिटी का वोट खिसक जाएगा, माइनॉरिटी नाराज हो जाएगी। लेकिन क्या मोदी ने मन बना लिया कि नहीं करना है? ऐसे ही 370 के लिए भी कहा जाता था कि जो कोई कश्मीर से धारा 370 हटाने की हिमाकत करेगा तो पूरा देश में रक्त की नदियां बह जाएंगी। भारत के एक बड़े नेता ने कहा था, रक्त की नदियां छोड़ो, किसी ने गुलेल नहीं चलाई और 370 हट गई। तो क्या मोदी ने मन बना लिया? और अगर मन बना लिया तो ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा भारत की चुनावी राजनीति के लिए?